नमस्कार दोस्तों, 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन कई जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ की पूजा थाली को लेकर महिलाएं करवा चौथ की थाली में कुछ ऐसी चीजें रख लेती हैं जो शास्त्रों के अनुसार भूलवश भी नहीं रखनी चाहिए, इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि करवा चौथ की पूजा थाली में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली वस्तु है सफेद मिठाई। ज्योतिषियों के अनुसार करवा चौथ की थाली में सफेद रंग की कोई मिठाई नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपने पति को सफेद रंग की कोई मिठाई खिलाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं और व्रत के पूर्ण का फल प्राप्त नहीं होता। तो अगर अक्सर ऐसा होता है कि पूजा की थाली हो या करवा चौथ की थाली, दीपक जलाने के लिए माचिस भी उसी के साथ थाल में रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा भूलवश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माचिस अग्नि तत्व को दर्शाता है और इसे थाल में रखने से कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे आपको बता दें कि करवा चौथ की थाली में सफेद कपड़े या फिर सफेद रंग की जुड़ी कोई भी वस्तु भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है और करवा चौथ पूजा का आपको फल प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा करवा चौथ की थाली में खंडित अक्षत भूलकर भी न रखें, इससे करवा चौथ की पूजा नष्ट हो जाती है। ऐसे में करवा चौथ की थाली में अक्षत रखते समय इस बात का ध्यान दें कि अक्षत कभी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ की थाली में किन चीजों का होना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करवा चौथ की पूजा थाली में मिट्टी का करवा होना बेहद जरूरी है। वहीं करवा चौथ की थाली में आटे का दीपक अवश्य रखें। दीपक के बिना करवा चौथ की थाली अधूरी है। अगली चीज के तौर पर आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ में छलनी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद छलनी में चंद्रमा व पति का चेहरा देखा जाता है और फिर ही व्रत का पारण किया जाता है। थाली में सिंदूर जरूर शामिल करें। बता दें कि इसे चंद्रमा को अर्घ देते समय अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही पूजा करने के बाद पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है। आखिरी चीज का नाम है अक्षत। चंद्रदेव को अर्पित करने के लिए अक्षत भी शामिल करें। थोड़े से अक्षत करवा में डाल दें, फिर चंद्रदेव को अर्घ दें। तो दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि करवा चौथ व्रत का फल आपको पूर्ण मिले, तो पूजा थाली से जुड़ी इन बातों का खास ध्यान रखें। कुंडली टीवी डेस्क से तान्या की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।